नमस्कार बच्चों, राधे राधे। एलजेब्रा को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। जय श्री श्याम। चलो स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 49 क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बताओ। फॉर रियल नंबर एबीसी इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए प्लस सी अपॉन बी। अब बताओ क्या करें इस क्वेश्चन में, क्या सोच पा रहे हो? लगाओ, एक बार लगाओ। ए क्यूब वाला या वट एवर जो भी तुम कर सकते हो करो एक बार। चलो देखो, मैं समझाता हूँ ना, कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये आइडेंटिटी है ना, ज्योमेट्री में भी पूछी गई है एसएससी में एक बार, है ना, और जनरल किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, है ना। जब भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिखे, ऐसा तभी पॉसिबल है इफ एंड ऑनली इफ जब तीनों बातें बराबर होंगी। तीनों बातें क्या होंगी? इक्वल होंगी। एक बार चेक करें, कोई भी तीन इक्वल वैल्यूज रख के देखते हैं सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा ना। तो ए की वैल्यू वन ले लें, बी की वैल्यू वन ले लें, सी की वैल्यू वन ले लें। तो बोलो, वन का स्क्वायर कर रहा है क्या सेटिस्फाई? कर रहा है सेटिस्फाई? अब दो रख के देख लो, कर रहा है सेटिस्फाई? तीन रख के देख लो, चार रख के देख लो। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आता है कि इफ एबीसी आर साइड्स ऑफ एनी ट्रेंगल, यदि एबीसी किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं तो कौन सा त्रिभुज होगा? अगर ये कंडीशन की मैंने तो समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रेंगल। तो अब क्वेश्चन की डिमांड है ए प्लस सी अपॉन बी, तुमने तीन इक्वल वैल्यूज रख दी, आंसर आ गया टू। किसी का मन करे सामने तो 10 रखूंगा, 10 रख दो, रिजल्ट विल बी टू। कुछ भी रख दो, रिजल्ट टू आएगा हमेशा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी ऐसी तुम्हें इक्वलिटी दिखे, ऐसी कंडीशन दिखे, तो ये कब पॉसिबल है? जब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा। ओके और नॉट, लिख लो इस बात को। लिख लिए, अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ तुम मुझे। चालू रहेगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, एक बार अटेम्प्ट करो स्टार्ट। जितने बच्चे लाइव हैं सब अटेम्प्ट करो। आंसर आया 17.5। कैसे? हाउ? जल्दी बता कैसे आएगा? डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा होता है बताओ। हाँ बिल्कुल सही है ना, फॉर्मूला होता है क्या ना, वो होता कैसे वो तुम समझो भी इतना कुछ। सबसे पहले देखो, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एसएससी ने कम से कम, जब से मैं 2011 से पढ़ा रहा हूँ, कम से कम तीन चार बार दे दिया, तीन चार बार एसएससी ने। और ये क्वेश्चन टेक्निकली गलत है, इसका डेटा गलत है और हमेशा आता भी है, और इसके आंसर की आंसर भी मैच होता है 17.5। तो कुछ बातें हमें स्पेशली ध्यान में रखनी है कि हमें ऐसा ही करना है, बात समझ गए? तो अब ये गलत क्यों है, पहले तो मैं तुम्हें समझाता हूँ डेटा इसका कैसे गलत है। कितनी इक्वेशन है बताओ? एक दो तीन। वेरिएबल भी कितना है? तो सर सॉल्व तो कर ही सकते हैं हम एबीसी की वैल्यूज निकाल सकते हैं, निकाल के यहाँ रख देंगे आंसर। सही बात है। तो ए माइनस बी की वैल्यू बताओ कितनी है? थ्री। और बी माइनस सी की वैल्यू कितनी है?
दोनों को ऐड करो, ए माइनस सी कितना गया 8, एक और गिवन है सी माइनस ए कितना है, वैसा पॉसिबल है क्या? इज देर एनी वैल्यू इन योर माइंड कि ए माइनस सी इज 8, सी माइनस ए इज 1? फर्दर अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूँ तो सी से सी कैंसिल, ऐसे पैरेलल लाइंस दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो लोचा आया हुआ कोई, बोलो है कि नहीं है? तो अब देखो एक पैटर्न के ऐसा तो है नहीं, मैंने तुम्हें एक ही क्वेश्चन करवाया हो आज तक, एक पैटर्न के कम से कम 3 4 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, फिर एक तुम्हें करने के लिए देता हूँ ताकि वो दिमाग में बैठे, बोलो हाँ या ना? घर जाके एंड टू एंड कर रहे हो इन सबको वापिस, ठीक है? तो इसके अपन अभी 5 6 क्वेश्चन करने वाले हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना तुम्हें क्वेश्चन को देखते पता लग जाएगा उस तरह का क्वेश्चन है, करेंगे अपन 3 4 क्वेश्चन हो रहा ना, एबीसी की वैल्यू तो नहीं निकालनी, सबसे पहला काम क्या है एबीसी की वैल्यूज नहीं निकालनी है, जोर से बोलो क्या करोगे, है ना? चलो अब इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है, बताओ क्या होता है, बोलना। ए प्लस बी प्लस सी, फिर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी, और अपॉन में क्या चल रहा है ए प्लस बी प्लस सी, चलो उसको बाद में देखेंगे। इसके साथ मैंने क्या किया बच्चों, इसके साथ ठीक है मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइडिंग, ये डिवाइड वाला मैंने ले लिया बाहर, 2 से मल्टीप्लाई करूं 2a² 2b² 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, कोई दिक्कत किसी को है ना? अब क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ab के पास में 2b² को, 2b² प्लस 2b² माइनस का 2bc के पास 2c² को, 2c² प्लस 2c² माइनस का 2cs के पास, ये क्या बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा होल स्क्वायर, ये आधा और ये इधर से पूरा कर लो, सी माइनस ए का अपॉन। अब ये प्रोसीजर बार बार नहीं करना, माइंड में डायरेक्ट रखना है क्या, कि जब भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी देखेगा हमारे अंदर से क्या आ जाएगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये इसकी वैल्यू होती है, क्लियर है? अब हमारे क्वेश्चन पे आ जाओ, ए प्लस बी प्लस सी तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 1 का 1 अपॉन 2 17.5, 17.5 वेरी क्लियर, कोई दिक्कत किसी बच्चे को है ना? तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसे करना है हमारे वहां, जैसे एक क्वेश्चन और देखो, अच्छा एक बार रुको इस क्वेश्चन पे आते हैं वहां पे, इसका मैंने तुम्हें एक ऑब्जर्वेशन वाला मेथड बताया कि 3 की इक्वल वैल्यूज ले लो आंसर आ जाएगा, बोलो हाँ या ना? अब इसका टेक्निकल मेथड समझो तुम, है ना, ये 3 में इधर प्लस में है क्या, है ना, तो उधर जाके माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, अभी भी लिखवाया ना, डिराइव किया ना बच्चों अपन ने, बोलो होता है नहीं होता, इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0 में चला ही गया, कल हमने क्या पढ़ा था, जब कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स का सम 0 हो तो पर्टिकुलर 0 के बराबर होंगे, मतलब ये भी 0 ये भी 0 और ये भी, बोलो ए बराबर बी बराबर सी बराबर, समझ गए, दोनों बातें एक जगह के मैच हो रही है, वेरी क्लियर। तो इसको और क्वेश्चन करते हैं पहले आ जाओ, अब देखो ये पैटर्न कब बनता है ना, इसमें और एग्जामिनर क्या क्या कारीगरी कर सकता है, ए की वैल्यू दे दे 1000, बी की 1001, सी की 1002, और बोल दे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी निकालो, अब वैल्यूज रख के तो सोल्व करना इम्पॉसिबल है, बहुत बड़ा डेटा है, बट वी नो दैट वो किसके बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2,
वो ए की वैल्यू 1,000 दे दे, बी की 1,005 दे दे, सी की 1,006 दे दे, मतलब इतना की स्क्वायर करना ज्यादा बड़ा काम ना हो, मतलब ज्यादा 10 या 15 तक के स्क्वायर अपने को दे सकता हूँ। जनरली एक का ही आता है डिफरेंस, है ना। जैसे एक क्वेश्चन देख लो यार तुम्हारे सामने, बोलो ए माइनस बी का होल स्क्वायर 1, बी माइनस सी का 1, सी माइनस ए का 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 आंसर होंगे। हाँ दिक्कत है, पैटर्न याद है तो, वरना लेके बैठे रहो फिर। ये लो ये क्वेश्चन करो तुम एक बार, फिर नोट डाउन करने दूंगा, ट्राई करो। थाउजेंड आ रहा है, बिल्कुल सही। देखो हो गया ना, ये किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसका फॉर्मूला वही एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू। कोई दिक्कत किसी को, इसकी वैल्यू कितनी है, 1000, ये 0 और y माइनस जेड 1 और ये 1 अपॉन 2, ये कैंसिल हो ही गया, 1000 आंसर आ गया, थर्ड ऑप्शन। डन। तो इस तरह से एप्लीकेशन बन सकती है, तो कर पाएंगे आराम से, इसको एक बार नोट डाउन कर लो आप, इस वाले को ना। लिखो भाई प्रॉपर तरीके सारे बच्चे। जल्दी नोट डाउन करो। लिख लिए, चलो आओ तो कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन अब आराम से ना। अच्छा यहाँ पे देखो ये प्लस का साइन है, एक्चुअली ये टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दी, दिस इज द साइन ऑफ नेगेटिव, बट क्वेश्चन सही है, समझ गए। हालांकि यहाँ तो माइनस का साइन होना चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए तो, बट जैसे हम देखो हमने क्या पैटर्न निकाला, ध्यान से समझना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, तो इसको हमने किसके इक्वेट किया, होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, अब मान लो यहाँ तीनों जगह प्लस का साइन हो, तो यहाँ भी तीनों जगह साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस। मान लो बच्चों यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, समझ
समझ गए बात को? मतलब जैसे ये वही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने पर वो ये माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा था, ये प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। मतलब अगर इन तीनों की जगह प्लस का साइन है तो यहाँ पे हम साइन कौन सा लगा देंगे? प्लस। जिसके पास प्लस का साइन है उसके पास प्लस का लगा देंगे, जिसके पास माइनस का उसके पास, मान लो यहाँ पे प्लस का होता तो केवल हम यहाँ पे प्लस रखेंगे बाकी दोनों जगह माइनस रखेंगे। तो ये क्या बनेगा बताओ? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर। वो तो डेटा बहुत बड़ा हो जाएगा सी प्लस ए, तो एरर है इसमें। मतलब या तो क्वेश्चन में एरर, क्वेश्चन सही करो तो ऑप्शन ऐसे कैसे रहने दो, इनमें से ऑप्शन मैच हो जाएगा, और क्वेश्चन को ऐसे कैसे रखना चाहते हो तो ऑप्शन चेंज कर लेना। बात समझ गए ना? इसको वर्बली करके दिखाओ मुझे, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही भाई। ये किसके बराबर? ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज 40, दैट इज 50, और ए माइनस बी वो होल स्क्वायर वाले जनता कैंसिल, नीचे 2 बची जाएगा, 50 का आधा 25। अब हो जाएंगे आराम से बिना पेन चलाए, क्वेश्चन कर पाओगे ना? अब आ जाओ देखो बच्चों, ये वाला पैटर्न तुम्हारे सामने। हमने एलजेब्रा की पहली क्लास में कुछ पैटर्न्स पढ़े थे, एन स्क्वायर माइनस टू, एन क्यू माइनस थ्री एन, पढ़े थे क्या? वहां पे क्या था, समथिंग प्लस वन अपॉन समथिंग गिवन था, उसी का क्यूब कर रहा था, उसी की पावर 4 कर रहा था, उसी की पावर 2 कर रहा था, क्या? अब यहाँ पे क्या हो तो भाई, देखो सबसे पहले वेरिएबल पर फोकस करते हैं। वेरिएबल कौन है? एक्स। सर गिवन कंडीशन जो है उसमें एक्स के पास पावर 1 है और जो पूछ रहा है वहां पे 2 है, तो अंदर से आ जाएगी स्क्वायर तो करना ही करना है, लेकिन यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस टू नॉट एप्लीकेबल क्योंकि डेटा सेम नहीं है। अब हमें क्या चाहिए कि सर 16 लाना है ना, तो यहाँ तो 4 चाहिए आपको, यहाँ पे क्या लाना, 1, तो हमें 1 चाहिए, तो अंदर से अपने आप आ जाएगी 2 से डिवाइड कर दो या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी करेंगे दोनों तरफ करेंगे। अभी कोई फिक्स नहीं है कि हम 2 से डिवाइड करें, किसी क्वेश्चन में 3 से भी करना पड़ सकता है, किसी क्वेश्चन में 2/3 से भी करना पड़ सकता है, किसी क्वेश्चन में 5/3 से भी करना पड़ सकता है। वो उस क्वेश्चन के हालात पर डिपेंड करेगा, क्या पूछ रहा है, क्या गिवन है, ओरिएंटेशन इसकी ये है ना। तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, बोलो x माइनस 1/4x इज इक्वल टू 3, नाउ स्क्वायर ऑन बोथ साइड, प्रॉपर स्क्वायर कर दो, आंसर आ गया तुम्हारा, है ना? बोलो x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर माइनस का 2ab, 3 का स्क्वायर 9 कैंसिल, ये माइनस का जो हाफ है बच्चों उधर जाके क्या हो जाएगा, 9 प्लस हाफ 19.2। जचगी तुम्हारे बात? जैसे एक क्वेश्चन देखो, कुछ भी बना लो क्वेश्चन, तो नहीं बना बना सकते हो, 5a 1/3 है ठीक है, और क्वेश्चन का डिमांड है 9a² 1/25a² ठीक है, और ये वैल्यू गिवन है 15। ठीक है, तो बहुत आसान है। अब देखो इसको अपन डायरेक्ट स्क्वायर करें तो दर्द होगा, उल्टा से उल्टा आ रहा है सर। तो सर यहां तो चाहिए 3 और यहां चाहिए, तो 5 को हटाना है 3 लाना है, तो 3/5 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे कर दो? 3/5 से मल्टीप्लाई करते आ जाएगा 3a 1/5a और ये 9, नाउ स्क्वायर ऑन बोथ साइड यू विल गेट रिजल्ट। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मुझे इन दोनों क्वेश्चन से मतलब नहीं है, मुझे इस तरह के क्वेश्चन से मतलब है। किसी क्वेश्चन में -1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, तो सबसे पहले देखा जाता है वेरिएबल, वेरिएबल से हमें ये पता लग जाता है कि स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, आधा करना है, क्या करना है, फिर कॉन्स्टेंट को देख कर कि निकालना क्या, उसके हिसाब से हमारा अंदर से आवाज आनी चाहिए कि साहब इससे गुणा करो, इससे भाग करो। समझ पा रहे हो भावनाओं? लिखो इस बात को। रख ले बेटा आराम से, रख ले।
कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखना ना, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर कितनी है? 3। हमें होल क्यूब करना है, तो यहाँ भी 64 और यहाँ भी 64, मतलब वहां भी 4 होना चाहिए, यहाँ भी, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा, है ना। तो करें 4 से मल्टीप्लाई, बोलो 4x 1/4x। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट वो हमारा पैटर्न एप्लीकेबल है, क्योंकि समथिंग प्लस 1/समथिंग गिवन है, और इसी का क्यूब करने पर डायरेक्ट, मतलब वही ट्रिपल करना n³ - 3, क्योंकि डेटा से है। देखो यहाँ पे तुम प्रॉपर क्यूब मत करो, तुम n³ - 3 कर दो। 4 का ट्रिपल 52 होता है, भूल गए क्या? 4 का ट्रिपल 52 होता है, याद है कि नहीं है? बस आ गया। बोल बोल बोल। 4 से 4 दोनों तरफ कर रहे हैं, दोनों तरफ करेंगे एक तरफ, है ना। तो कर लोगे इस तरह क्वेश्चन, पक्की बात। अब एक इस पर एसएससी में एक क्वेश्चन डिपेंडेंट रहता है बच्चों, इस तरह के स्क्वायर रूट निकालने पर, है ना। तो ये मैं तुम्हें सिखाता हूँ ना, इसमें तुम्हें वो आंसर भी मिलेगा कि √25 ± 5 में नहीं होता, √25 + 5 ही क्यों होता है ना। आ जाओ, जैसे बच्चों एक बात बताओ, ये लिया मैंने 7 + 4√3, ठीक है, इसका अंडर रूट निकालना मुझे, निकाले। अगर क्वेश्चन इतना सही है तो सर क्यों निकालें, तो ऑप्शन का स्क्वायर कर देंगे, पहला तरीका। बट ये मिक्स में आ जाता, मिक्स में मान लो प्लस समथिंग और कुछ आ जाए, तो फिर ऑप्शन से नहीं हो सकता वो, तो प्रॉपर सीखना पड़ेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं हो सकता, है ना। तो इनको हम कन्वर्ट करते हैं बच्चों a+b के होल स्क्वायर में। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। क्या होता है? +b² + 2ab। अच्छा, ab के साथ कौन मल्टीप्लाई होता है? 2। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में एक बात दिमाग में लानी है कि इस अंडर रूट के बाद 2 लाना होता है, अंदर वाला जो अंडर रूट उसके बाद क्या लाना होता है? 2। दोबारा बोलो क्या करना होता है? 2 लाना होता है। 2 कैसे भी लाए, हो नहीं हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड करो, हो तो फैक्टर्स करो। अब 4 के साथ तो 2 बनाना बहुत आसान काम है, कैसे बनाओगे? 2 × 2√3, है ना। ये 2 अंदर लेके जाओ, क्योंकि हमें बाहर केवल एक बार 2 रखना है, हमारा टारगेट क्या है? सिंगल 2 रखना है बाहर, है ना। तो 7 + 2 ये अंदर जाके हो जाएगा 4, 4 हो जाएगा। अब अंडर रूट के बाद 2 आते हैं ना, आप देखो कि 99.99% कॉम्बिनेशन सेट हो रहा होगा। 4 × 3 ये क्या होता है? 4 + 3 बन रहा है, जोड़ा बन रहा है। इसको लिखेंगे 4 + 3√4। इसके अंडर रूट लाके स्क्वायर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसके भी अंडर रूट लाके स्क्वायर लगा सकते हैं। मेरे साथ साथ बोलो क्या बना? a² + b² + 2ab, है ना, a+b का होल स्क्वायर। a² + b² + 2ab, a+b का होल स्क्वायर। तो ये √4 + √3 का क्या बना? और अंडर रूट लगा दो, कैंसिल, तो ये 2 प्लस इज द करेक्ट आंसर। वेरी क्लियर। अब समझो बच्चों बात को, एक बार रुको, होल्ड करो, जल्दबाजी नहीं करनी अभी, खूब सारे एग्जांपल करेंगे। बोलो सबसे पहले टारगेट क्या होता है?
टू इंटू थ्री, ये 3 अंदर जाके हो जाएगा 9, ये 9 × 7 और ये कितना होता है 9 + 7, बन गया ना कॉम्बिनेशन अपने आप, तो 16 को लिखो 9 + 7, ये √9 √7, अंडर रूट आगे स्क्वायर लगा दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 3 + जैसी बात। अब एक बात समझो बच्चों ना, एक एग्जांपल हो लेता है, कौन सा ले, 2 + √3, बोलो सबसे पहले टारगेट, रूट के बाहर, स्टेप्स तो वही रहेंगे ना, जोर से बोलो, रूट के बाहर, ढंग से बोलो, पूरा बोलो, क्या क्या करेंगे, 2 2 करे जा रहे हो क्या, 2, दोबारा बोलो, इस रूट के बाहर 2 लाना है, बोलो अंदर से क्या आवाज आनी चाहिए, रूट के बाहर 2 है क्या यहाँ पे, अब तक तो कॉम्बिनेशन बन रहे थे, अब बोलो लाना, लाना तो है ही, जोर से बोलो, तो 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से, है ना, तो 4 + √3 और ये 2, अंडर रूट सेपरेट हो जाता है, तो नीचे वाले का अलग करते हैं, इसको बाहर बाद में देख लेंगे। अब सर आपने बोला था अंडर रूट के बाद 2 आते हैं तो कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, तो बनता है देखो 3 × 1 3 + 1 बन रहा है ना, इसके अंडर रूट लाके स्क्वायर लगा, तो अंडर रूट लाके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कैंसिल, अपॉन में कितना आ गया, तो आंसर इज √3 + 1/2। जैसी बात तुम्हारे समझ गया ना बात को, बस कुल मिला के बात ये है, अंडर रूट के बाद 2 लाना, उसके बाद दुनिया खत्म है इसकी, ऐसे है ना। अब समझो यहाँ पे असली बात क्या है साहब, ये बिना पेन चलाए भी हो सकता था, जरूरत नहीं पेन चलानी, पर चलो तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में थोड़ा बहुत पेन चलाना पड़ेगा सर, अभी हम इतने अनुभव ही नहीं हुए, है ना, तो फिर भी मैं गारंटी से बोल रहा हूँ यहाँ तक पेन चलाना पड़ेगा, बस अंडर रूट के बाद 2 लाने तक, उसके बाद चलाने की आवश्यकता नहीं है, बोलो कैसे भी करके अंडर रूट के बाद 2 लाएंगे, अब कैसे भी करने से मतलब नहीं, तुम 2 लिख दो भाई, आ गया, बैलेंस करना है उसको मैथमेटिकली, है ना, 2 आ गया, अब ये कॉम्बिनेशन मन में देख लो सेट हो रहा है, तो इन दोनों का रूट आंसर आएगा, बोलो 2 का कितना होता है, 4 का कितना होता है, 3 का, आंसर आ गया 2 + 1, अंडर रूट के बाद 2 आ गया, इन दोनों का रूट आंसर आएगा, बोलो 9 का 7 का, अंडर रूट के बाद 2 आ गया, 3 का 1 का, जो बाहर √2 चल रहा है वो तो आएगा, इतनी सी बात, एक क्वेश्चन करें वैसे, है ना, अप्लाई करें एक बार, है ना, पहले अंडर रूट के बाद 2 लाएगा, तो 2 × 4 = 16 चला जाएगा अंदर, बोलो 16 का 3 का खत्म, और ढंग से प्रैक्टिस कर लोगे तो ये 2 भी बिना पेन चलाया जाता है, तो मन करे चला ना, कर, है ना। अब एक बात बताओ बच्चों, इसको अगर मैं √3 + 2 लिख दूं तो वो दिक्कत होगी क्या, इसका आंसर √7 + 3 भी हो सकता है क्या, इसका आंसर √1 + √3/√2 भी हो सकता है क्या, और इसका आंसर √3 + 4 भी हो सकता है क्या, दोनों आंसर सही है। अच्छा तो सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि एक बार बताओ सब बच्चे मुझे, a + b = b+a, कॉन्फिडेंस से बोलो, हाँ a + b का होल स्क्वायर = b+a का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर = b - a का होल स्क्वायर, करके देख लो ना क्या है, करो है ना, जोर से बोलो है, ऐसे बोलो है, ठीक है, अच्छा a - b और b - a,
ये नहीं है सर, ये बात जमी नहीं है ना, नहीं जमी ना। ठीक है, ए प्लस बी बराबर बी प्लस है, यानी कि इसका आंसर ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और अब यहाँ पे नेगेटिव साइन होता, बोलो कौन सा साइन होता? तो माइनस 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 माइनस, हाँ माइनस 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 माइनस, और ये रूट थ्री माइनस माइनस, क्या बोलते हो ऐसे होता क्या? अब सब प्लस में तो दोनों बातें सही थी, एक बिकॉज वी नो दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, बट ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, बात समझ गए क्या? अब सही कौन सा होगा? ऊपर वाला, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी। जिसकी वैल्यू क्या आ रही होगी? स्क्वायर रूट नेवर प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट्स, या तो जीरो है, जीरो से बड़ा आंसर आ सकता है, नेगेटिव आंसर। तो हमें देखना लेफ्ट में बड़ा नंबर कौन सा है, बताओ 2 और √3 में कौन बड़ा होता है? तो ये गलत। यस बोलो, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, √3 बड़ा होता है भाई, 1 पॉइंट समथिंग। बोलो नीचे वाला, ऊपर वाला, बोलो ऊपर वाला हमेशा सही होता है, बोलो बोल बोलो जोर से, सही होता है हमेशा ऊपर वाला। तो बेसिकली हमें क्या ध्यान में रखना है बच्चों, कि इसलिए हम बोलते हैं √25 इज नॉट प्लस माइनस 5 ओनली। बात जची? क्योंकि एक बनता है 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर, एक बनता है 0 माइनस 5 का, इसलिए हम बोलते हैं कि रूट से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल करते समय देखना होता है कि ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, अदरवाइज नॉट, या मॉड्यूलस लगा दो ए माइनस बी। तो ये बातें समझ में आ गई तुम्हारे सबके? पक्की बात है, इस पर आधारित एक क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन इनके कॉम्बिनेशन में भी आता है ना, किस तरह से आते हैं। इसका सेल खराब हो गया। तो सर इसका तो आंसर हमें आता ही है, 2 प्लस 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे सर, इसको भी सॉल्व किया था हमने, तो √3 से √3 4 का 2। मैंने जानबूझ के ये सारे एग्जांपल लिए था कि ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसमें सीरीज बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, उससे हमारे कवर पड़ जाएगा। ठीक, तो मुझे इस क्वेश्चन से मतलब नहीं है, मुझे इस तरह के क्वेश्चन से मतलब है। हो जाएंगे क्या? अंडर रूट के बाहर क्या लाना होता है? वेरी क्लियर, नो प्रॉब्लम, आराम से नोट डाउन करो इसको। कितने बच्चे ऑनलाइन हो, पहले आराम से समझा करो, फिर लिखा करो ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ साथ।
बच्चों डन। ठीक है, देखो इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है मेरे पास। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, बस इसमें थोड़ा सा फर्क है। तुम एक्स की वैल्यू डायरेक्ट पुट करो एक बार, देखो ट्राई करो। एक्स की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे रखो, रूट 3/2। कितना आ जाएगा बताओ? एलसीएम ले लो, 1 + √3/2, तो 2 + √3, और बाहर कितना है, 1/√2 है ना। इसको हमने सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले अभी। इसका आंसर आ रहा था √3 + 1/√2। इसमें बाहर एक √2 और है, तो √3 + 1/2। बस एक बात ध्यान रखो बच्चों ना, कि चाहे प्लस का साइन है चाहे माइनस का साइन है, फैक्टर्स बनाते समय हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, बड़ी संख्या लेफ्ट में, ताकि वो जल्दबाजी में 3 क्वेश्चन प्लस के दे दे, एक माइनस का दे, तो मिस्टेक ना हो। बड़ी संख्या फैक्टर बनाते समय हमारी कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी संख्या लेफ्ट में रखें, जब प्लस हो चाहे माइनस हो, तो मिस्टेक होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे फिर वहाँ पे। अब जैसे देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, अगले क्वेश्चन में है ये, शायद स्लाइड अपने को लेनी पड़ेगी। अगर नेगेटिव साइन होता तो एक ऑप्शन ये आता, एक ऑप्शन ये आता, तो मिस्टेक हो सकती है। अब तो हमें तो क्या ध्यान रखना है, बड़ी संख्या। क्लियर है? तो बाकी आगे क्वेश्चन करते हैं, है ना। ठीक है, यहां तक प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे।